परसों से शुरू होने जा रहा है बिग बॉस सीजन 17, जिसके लिए हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन इस एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए बिग बॉस खूब नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार रिवील होने ही नहीं दे रहे कि आखिर कंफर्म कंटेस्टेंट कौन से हैं बिग बॉस के घर में जाने वाले। लेकिन हाँ, कुछ नाम जरूर कन्फर्म हो चुके हैं जो अपनी लिस्ट में आपको बताने वाले हैं। पहला नाम तो आप यकीनन अभी तक सुन चुके होंगे, मुन्नावर फारूकी का, जो कि बहुत ही कमाल के स्टैंड अप कॉमेडियन है। और इतने अच्छे कमाल के कॉमेडियन है कि भाई स्टैंड अप करते करते एक इतना सेंटिमेंटल उन्होंने रिलीजियस कमेंट कर दिया कि जेल ही पहुंच गए, और जेल के बाद सीधा लॉकअप पहुंचे, यानी कि शो लॉकअप पहुंचे और उसके विनर बन गए। बहुत वक्त से बिग बॉस माने की खबर चल रही थी और फाइनली सीजन 17 में अब इनके देखने वाले हैं। वेल, मुन्नावर तो जेल गए ही थे, लेकिन इसी के साथ एक और ऐसी कंटेस्टेंट आ रही है बिग बॉस के घर में जो खुद भी जेल की हवा खा चुकी है, और उनका नाम है जिग्ना वोरा। एक जर्नलिस्ट है और इनके ऊपर मर्डर चार्जेस लगे थे, इन्हीं के सीनियर जर्नलिस्ट जय दे के मर्डर के, और ये भी उस जेल की हवा खाने के बाद अब बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाली है। तीसरा नाम किसका है? तीसरा है मनारा चोपड़ा का। मनारा चोपड़ा से आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? भाई कीजिए ना, नहीं कर पा रहे तो प्रियंका और परिणीति को। जी हाँ, इन्हीं के तो कजन है मनारा, जो कि आ चुकी है कई फिल्मों में नजर, और इनका हाल ही में एक कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो भी सामने आया था जहां डायरेक्टर ने इन्हें मीडिया वालों के सामने किस कर दिया था और बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी, उसके बाद में मुस्कुराती हुई नजर आई। तो ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट को क्यों बिग बॉस घर में ना लेकर आए? लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ फॉर्मर मिस इंडिया मानसी मंगई भी आप सभी को नजर आने वाली है बिग बॉस सीजन 17 हाउस, जो कि आखिरी बार अभी हाल ही में नजर आई थी काजोल के वेब सीरीज द ट्रायल में। वेल, बिग बॉस के जो इस बार कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है कपल वर्सेस सिंगल्स, लेकिन कपल की जो जोड़ी आने वाली है वो सिर्फ तीन ही नाम अभी तक कन्फर्म हुए हैं, जो कि है अंकित अलखंडे, विकी जैन, नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा, और साथ ही होने वाले हैं और तीसरे हैं ईशा मालवीय, अभिषेक कुमार, जिनके आना बिल्कुल कंफर्म है इन बिग बॉस सीजन 17 हाउस। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं बिग बॉस के घर में कदम रखने जा रहे हैं। यूके राइडर यानी कि अनुराग धोबल, जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और बदनाम है इस वजह से कि भाई ऑडियंस बुलाते हैं अपने मीटअप के लिए तो पैसे देकर, अब बिग बॉस के घर में आ रहे हैं तो देखते हैं कि पैसे देकर खुद की वोटिंग करवाते हैं या कि कुछ रियल फॉलोअर्स भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। वहीं इन्हीं के साथ एक और यूट्यूबर आएंगे तहलका प्रैंक वाले सनी आर्या, जो कि हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और वो इस घर के अंदर एंट्री लेने वाले हैं और ये पूरी तरह से कन्फर्म है। वेल, इस लिस्ट के अंदर जुड़ा हुआ है ऋषि धवन का नाम भी। आप में से काफी लोग होंगे जो शायद उनके बारे में ना जानते हो, लेकिन बता दें कि एक इंडियन क्रिकेटर है जो कि कुछ वक्त पहले, एक्चुअली काफी वक्त हो गया, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं लाइमलाइट में जुड़े थे कि उनकी इंजरी हो गई थी फेस पर बहुत ही ज्यादा, और उसके बाद उन्होंने जो मैच खेले तो फेस पे मास्क लगाकर खेले, लेकिन अब ये ज्यादातर क्रिकेट मैचेस में नजर नहीं आते हैं। तो वही अब नाम लेते हैं उनका जिनके शो में आने की उम्मीद है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं, अरमान मलिक। भाई हाँ, अरमान मलिक तो आपको याद होंगे, दो वाइफ वाले यूट्यूबर जिनकी पत्नी कृतिका पायल के साथ इनकी शो में एंट्री की इस वक्त उम्मीद की जा रही है, यानी कि खबरें सामने आ रही हैं। तो वही एल्विस यादव की एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा, जो अभी तक लाइमलाइट में बनी हुई थी, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से वो अपनी पहचान शो के जरिए बनाने के लिए आ रही है शो के अंदर। और अब आते हैं एक और यूट्यूबर, टिकटॉकर एक्चुअली, फैजल बलोच, जो कि फैजल मिस्टर फैजो के बहुत अच्छे दोस्त हैं, टीम 07 के मेंबर रह चुके हैं और उनके शो में आने की पूरी उम्मीद है, काफी हद तक शो में आने के लिए कन्फर्म्ड भी है। वहीं आ रहे हैं टीवी एक्टर जय सोनी। जी हाँ, जय सोनी को बहुत से टीवी सीरियल्स में देखा जा चुका है, बहुत स्वीट सी पर्सनालिटी है इनकी, लेकिन ये सिर्फ टीवी पर अभी तक नजर आई है, रियल में लोग बहुत कम जानते हैं कि कितने स्वीट है तो कितने तीखे, लेकिन शो में पता चल ही जाएगा अगर ये शो में आते हैं तो। वहीं आखिरी नाम है टेलीविजन इंडस्ट्री के बहुत ही पुराने एक्टर, इवन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, संदीप सिकंद ये शो में आ सकते हैं और आप सभी को एंटरटेन कर सकते हैं अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी से जो अभी तक साजिद खान, पूजा भट्ट और बहुत सारे लोगों की नजर आई है। लगता है ये भी बिग बॉस का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि एक सीनियर सिटीजन को बिग बॉस के घर में लाकर खड़ा कर दो शो को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए। वेल, वो शो में आते हैं नहीं तो देखना होगा। लेकिन आप आगे किस कंटेस्टेंट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है मुन्नावर फारूकी के अलावा, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाए।
ऑडियो चैनल।